हमारा सीधा सा मामला है, टीलोड़ी हटाई जाए, जो जो परीक्षा रद्द कराई गई है वो परीक्षाएं कराई जाए, और जो भी बच्चों को ईओटी के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है 4 साल की 6 साल की, हमें नहीं चाहिए ना, हमें आप परमानेंट रखो, जितना भी रखना परमानेंट रखो। पहले वाली भर्ती में से क्या कमी है वो बताएं तो सही, सरकार की क्या कमी है? अपना पैसा बचा, सरकार अपना पैसा बचाना चाह रही है, उसे क्लियर करें। अरे अगर हमें सिविल में नौकरी करनी होती, इतने पढ़े लिखे होते तो क्यों सड़क तोड़ते हम? अब जो आपका आंदोलन इस वक्त चल रहा है यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो कब तक चलेगा सर? सर ये जब तक चलेगा, अगर बात वेतन की होती तो कल खत्म हो जाता, ये वतन के लिए बात है, देश को बेकार नहीं देंगे। एयरफोर्स की एनरोलमेंट नहीं दी गई है, 2 साल से उन्हें एम टू बनाया जा रहा है, एक ही नोटिस चस्पा करके कि ये कॉन्फिडेंशियल है, अब आएगी कल आई आ जाएगी, जब उनकी हमारे आर्मी। अब आप ये बताइए जो 2-2.5 साल उनके बिगड़े हैं उन्हें कौन ला के देगा, कौन लौटा देगा उनको? 4 साल के बाद ये कह रहे हैं, 4 साल के बाद ये कह रहे हैं कि हम इन्हें कंपनीज में डालेंगे। अगर कंपनीज में जाना होता तो सर हम IIT आर्मी में नहीं जाते, पैर हाथ पैर नहीं छोड़ते सड़क पर। बहुत की नौकरी हो गई 4 साल में, या बढ़िया सरकार मिल सके, 4 साल बाद आदमी हत्या चाहेगा हाथ में आगे, किसान आदमी है, 10 बीघे खेत कर ले, कहा देखा है तो बेटा फौज में लग जाए कोई बात ना, IIT पैसा ना, यू क्या है 4 साल 20,000 रुपये तनख्वाह महीने रहेगी फौज में, पहले तू ही चले जाए 4 साल को, तू परमानेंट है, चला सर TOD वापस ले जाए, एग्जाम कराया जाए और वही 17-18 साल की फौज रखी जाए।